तो मीन साथ को मरूंगी। इधर से करने का क्या मकसद था, बहुत ज्यादा कजिल हो गए हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। आज है वेडनेसडे, हम अभी हुंजा में हैं, निकलती है चाइना बॉर्डर के लिए खुजराब पास। अभी तक मुझे पता नहीं चलते हम चाइना बॉर्डर क्यों जा रही है, इतना सफ़र करके एक बॉर्डर देख के वापस आना। बट लोगों ने कहा हुंजा तक आ कि उधर ना जाए तो ट्रिप कम्प्लीट नहीं होती है। बहुत ही ठंड है, अभी मुझे नहीं पता कितना डिग्री है। अभी हम निकलती हैं चाइना बॉर्डर के लिए। खुदा हाफिज़, मैं आती हूँ, वेट कर लो। यार रास्ता तो बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए कुछ चीज़ें लेना है, जूस वगैरह, क्योंकि लंबा रास्ता है, हमको नहीं पता रास्ता में क्या होगा। इसलिए अभी जाके कुछ जूस केक वगैरह लेती हूँ, ताकि आना जाना में हमको वो होगा। थोड़ी खाना खाएँगे। इधर मुझे एक ग्रोसरी शॉप मिल गया, याकूब बेक ट्रेडर्स। अभी हुंजा बंद है, कल इतना वो नहीं थी, ठंडा नहीं थी इधर, लेकिन आज तो है ना, बहुत ही ठंडा है। चलो बंद है। अस्सलाम वालेकुम, जूस मिलेगा? जूस लेते हैं, ले ले। अभी हम फसुकोंस में हैं, लेकिन वो बदल के वजह से ना फसुकों के व्यू पॉइंट नज़र नहीं आते, लेकिन मैं कल ज़रूर फिर दोबारा इधर आके पिक्चर खींचूंगी। अभी हमारी तो मेन पॉइंट है खुजराब पास। खुजराब पास की इधर 124 किलोमीटर दूर है, लेकिन भागना चाहिए, बहुत ही ठंड है। चलो यार, अभी हम एक जगह पे रुका। नॉर्मली मैं बर्फ की वीडियोस तुर्की में आपको बेचती हूँ, दिखाती हूँ, लेकिन इस टाइम बर्फ़ हो रही है पाकिस्तान में, बहुत बहुत अच्छी बर्फ़ हो रही है। ये सब जगह है ना, अभी आपको वाइट वाइट नज़र आएगा। ये खुजराब पास आई थिंक 90 किलोमीटर रह गई अभी खुजराब पास पहुँचने में। नीचे एक नहर जाती है, ऊपर पूरी पहाड़ों है ना, ग्लेशियर्स है, और ये है हमारी रास्ता। बहुत अच्छा है। थोड़ी मैं आप लोग के लिए बर्फ लेती हूँ, फिर वेट। अभी देखो, अभी देखो, साथ स्नोफॉल चेक कर। यार ये जाती है। तुम लोग स्नोबॉल नहीं खेलती है? हाँ खेलती है, स्नोबॉल इधर। चलो स्नोबॉल खेलो। यार हम न्यू सेंट्री से निकला, ये आई थिंक बस एक 30 सेकंड की बात एक और बॉर्डर की जैसे कुछ आ रही है। उधर एक बंदा की एंट्री है 300 रुपये। अभी देरी एक और एंट्री करके निकलती है। आई डोंट नो अभी कितना रह गई, शायद आई थिंक आधा घंटे का रास्ता है अभी हमारे चाइना बॉर्डर के लिए। अच्छा ये आगे गाड़ी जा रही है ना, उसने भी हमारे साथ लाइक सेम घर में बाद में रहती थी, हमने कल उसको घर में भी हेल्प किया था। ये लोग यही गाड़ी से लाइक खुजराब पास की जाने का कोशिश किया, लेकिन उनकी गाड़ी स्लिप हो रही थी। अभी उन्होंने वापस आ रही थी, रास्ते में हमको रुका। अभी ये लोग इधर गाड़ी पार्क करेगा, फिर हम वापस उनके साथ वो खुजराब पास में वापस जाएंगे, क्योंकि बाकी इधर लैंड स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है। आई थिंक ये गाड़ी भी नहीं जाएगा ऊपर, नहीं हमारी चली जाएगी। हम फिर जा रही थी, बस 20 मिनट का रास्ता रह गई और ये गाड़ी इधर ही फंस गया। हम अभी इनको ऐसे चेन दे के हेल्प कर लेते हैं। ये तो कैसे जाएगा ऊपर, वापस जाना है आप लोगों ने? हम वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। ये स्किट मारी है गाड़ी। हाँ
आइएगा तो निकलेगा हमने भी वही बिल्कुल देखिए बिल्कुल वाइट है इधर गरीबी फंस गया ये लोग अभी मैं अभी आपको मारूंगी अभी इधर हम गरी निकालने की कोशिश कर रही है ये गरी नहीं निकला इवन हमने एक दफ़ा ट्राई मारा ये लेसिस भी खराब हो गया ये उसकी बाइक उधर फंस गया लेकिन अभी हम जा रही है इन्होंने ऊपर से पतरीदे लगाते हैं शायद वो ऊपर आएगा पूरी मुश्किल लग रही है तो हम इधर से निकलते हैं अदरवाइज हमने भी रुकना है इंशाल्लाह वक्सी में तो काफ़ी कोशिश किया उनके लिए लेकिन क्या होगा आई होप निकलेगा क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज भी फंस गया है अभी हमने इधर एक और वॉशरूम का स्टॉप ले लिया भाई वगैरह ऊपर से कुछ देख रही है कुछ उड़ रही है वो वाइट नजर आया जो एक जो लेयर आ रही है नीचे उस पे गोल्डन ईगल कहां पे यार ये सामने है ये नजर नहीं आ रहा बिल्कुल जो बादल है सामने देखो उड़ रहा है बादल कहां पे नजर आ रहा है जैसे नहीं ओए मैं अंधे हूं मुझे नजर नहीं आ रही है रुको मैं यार ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट देखो ये बिल्कुल साथ साथ जा रहा है गुड हाँ देखा देखा वो सारा साथ साथ यार गोल्डन ईगल जा रहे हैं अभी इधर से आप लोग बस गोल्डन ईगल देखने के लिए आया नहीं नहीं हम लोग स्नो लेपर्ड देखने के लिए आए अच्छा देखिए तो हमें भी बताना वो मिलेगा जब वो शिकार खेले ना फिर उस हाथ में अच्छा देखने की बात क्या होती है चलता रहता नहीं 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 इस तरह चलता रहता कहीं भी सो जाता है फिर जो ऊपर आ गया फिर इंसानों के पास नहीं आते जो डर गया वो मर गया यार स्पेशल परमिशन में हम अभी जा रहे हैं वो बाई बोट हम बस ये ब्लू बोट तक जा सकती है और यही पास है ना उधर नहीं जा सकता बस यही इधर एक ब्लू बोट है उधर तक आ गया इधर सब सब जगह बहुत ही यू नो ठंड है अभी -11 है ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एटीएम इन पाकिस्तान अभी जाके पैसे निकाल देंगे तो मेन पास तो इधर ही है आप लोगों का नज़र आती है रूम की इधर 1890 खशकर 420 और थश कोरगान है इधर 130 किलोमीटर है कोरोना की बात इन्होंने सारी वो एक्सेस बंद किया है तो मेन बॉर्डर तक नहीं जा सकती है इसलिए हमने इधर तक आया तो मेन साथ को मरूंगी ओह इधर तक आने का क्या मकसद था बहुत ज़्यादा कजिल हो गए हम कभी भी समर में भी इधर ना आ जाओ यार समर में भी देखने की कुछ नहीं है एटीएम को भी बाय बाय कह के निकल रही है बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया मैं करीमाबाद जाके ना पहली फुर्सत में साथ को मारूंगी और कोई ख्याल नहीं है एथलीज ये फास तक जाना था ना फिर मुझे कुछ समझ आना था इधर एक ब्लू बोट है उधर तक जा सकती है -11 गुस्सा तो अभी मेरे बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है एग्जैक्टली मेन मिशन के लिए तो हमारे कंप्लीट नहीं हो गया अभी थोड़ी जाके उधर पिक्चर्स विक्चर्स लगा के इधर से वापस निकलेंगे बहुत ठंड है फाइनली हम करीमाबाद में पहुंच गया रास्ते में क्या हो गया मैं वही बताओ हमने उधर ही से निकला ठीक है इतनी ठंड था ना हमारी दोस्त साथ के अलावा क्योंकि गाड़ी वो चलाती थी हम सारी गाड़ी के अंदर सो गए इधर आने तक अभी हम इधर हमारे डिनर कर लेती है एक्चुअली कोइंसिडेंट इधर एक हमको खाना मिल गया सारी लोग कहती थी मैं चाइनीज़ खाऊंगी कोई कहती थी मैं पाकिस्तानी खाऊंगी इसमें चाइनीज़ भी है पाकिस्तानी भी है अरमनी टेस्ट पॉइंट है करीमाबाद की स्टार्टिंग में लोकेशन है अभी हमने जाके खाना ऑर्डर करनी है खाना खा के फिर यही ब्लॉग इधर ख़त्म कर लेंगे हमारे पहले सूप से आया मैं सूप ट्राई करूँगी यह है हमजा की ट्रेडिशनल सूप है दाउ सूप
इन्होंने इधर मसाला रखा है, लेकिन मैं इसको मसाला रख के ओरिजिनल टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। इसके अंदर दो से उन्होंने एक ऐसे छोटी पास्ता की जैसे बनाया है, कटिंग किया है, और अंदर चिकन है। इन्होंने बॉईल करके सूप बनाया है। ये सूप को मैं क्यों इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी ये सूप बहुत हमारे लिए बनाती हैं। हम तुर्किश में इसको कहते हैं खेसमे चोरबस। इधर उन्होंने बनाया है दाउदो। एक डिफरेंस है, इसमें चिकन है, हमारे वाला में चिकन नहीं है, छाना है। अभी ट्राई कर लेती हैं। इसकी ये सूप है ना, ये वाला इतनी टेस्टी है ना, थोड़ी सी खट्टी भी टेस्ट है। और इसके बाद यही उन्होंने कटिंग करके बनाया है ना, नहीं ये दो, ये भी इतनी ज़्यादा लाइट है ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करती है ऐसे खाने में। और आई थिंक 10 out of 10 हुंजा में मेरी फेवरेट सूप है ये दाउदो सूप। हर साल मैंने पाकिस्तान में रहा, ऐसे मैंने कॉर्न सूप नहीं पिया। चिकन कॉर्न सूप बहुत अच्छा है। एक और मैं खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी है यार। नॉर्मली शादी में, घर पे कोई भी विंटर्स में हम लाइक लाहौर यही पीती है ना नॉर्मली, ज़्यादातर मशहूर सूप तो यही है। लेकिन इधर का टेस्ट ना, आई थिंक इन्होंने ऑर्गेनिक बनाती है ना, शायद टेस्ट बहुत अच्छे है, तो बहुत अच्छा लगा। फाइनली हमारे पूरे खाना आया। ये अभी मैं आपको सारे बताती हूँ। ये चिकन जलफ्रेजी, ये चिकन मशरूम, इधर है दाल माश हमारी, और इधर चिकन शशली, इधर भी हमारी स्पेशल सैलेड है। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, इधर हमारी गोश्त कढ़ाई है। लेकिन ये कौन सा गोश्त है, यक मीट का। पहली दफ़ा ट्राई करूँगी, अभी तक नहीं किया, अभी हम इसको ट्राई कर लेंगे। इसलिए मैं पहले इसको ट्राई करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहन से के इलाके से पैदा हो गई, और मुझे गोश्त बहुत पसंद है। लेट्स सी, ये गोश्त नॉर्मल बीफ की जैसे है और थोड़ी टेस्ट डिफरेंट है। मैं इसको भी चेक करना चाहती हूँ। ये हमारी यॉर्क मीट है, इसको रोटी के साथ आई थिंक खा लेती है। आई थिंक मेरे मतलब एक भी रोटी के बगैर ट्राई करूँगी एक मिनट। ऑब्वियसली हम ज़्यादा बीफ मटन लैम का गोश्त खाती है ना, उनकी टेस्ट की जैसे नहीं है, टेस्ट डिफरेंट है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा खाने के बाद शायद ये भी नॉर्मलाइज होगा, बट इन्होंने कढ़ाई के साथ बनाया है। ज़्यादातर मुझे वो स्पाइसी और मसाला की टेस्ट आ रही है, गोश्त की टेस्ट अभी मुझे इतनी नहीं आ रही, लेकिन फ़र्क तो मुझे पता चलती है। ये नेक्स्ट हमारी डिश है चिकन जलफ्रेजी। आई थिंक मैं पहली दफ़ा खाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अंदर के साथ नहीं देखा सर्व, इन्होंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना दिया है। मसाला बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर के साथ बहुत मज़ा का है। सो फार मेरी नंबर है ये चिकन जलफ्रेजी, बहुत मज़ा का है। अभी हम हमारे खाना खाते हैं, तो इधर से होटल जाके सोने के लिए।